नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को नो इन शॉर्ट के एक नया एपिसोड में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं वीडियो एसईओ के ऊपर किए गए एक रिसर्च स्टडी के ऊपर बात करने वाला हूं, जिसको BRIGGSBY ने किया था, जो कि एक एसईओ कंपनी है जिन्होंने अराउंड 1 लाख वीडियो को स्टडी किया था अराउंड 75,000 चैनल्स के ऊपर। और उस स्टडी में जो उन लोगों का फाइंडिंग्स है वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों हम सभी कंटेंट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर कंटेंट को सही से रैंक नहीं करा पाए तो उस वीडियो को प्रॉपर व्यूज नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए वीडियो एसईओ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो एसईओ एक डायनेमिक प्रोसेस है जो कि चेंज होता रहता है। मतलब यूट्यूब जिस एल्गोरिथम के साथ 2014-15 में वीडियोज को रैंक करता था और आज के डेट में जो एल्गोरिथम यूज करता है वो टोटली डिफरेंट है। तो इसीलिए जो नए चेंजेस हैं वो आपको समझते रहना चाहिए, ताकि उन इन्फॉर्मेशन को या फिर उन चेंजेस को आप अपने वीडियोज में इंक्लूड कर पाए और आपके वीडियोस को सही रैंक दिला पाए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। मैं श्योर हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत सारे यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे जो कि आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहला जो फाइंडिंग है वो वीडियो टाइटल्स के ऊपर है। दोस्तों वीडियो टाइटल्स के ऊपर बात करने से पहले दो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज एग्जैक्ट मैच और दूसरा है ब्रॉड मैच। लेट्स से मैंने एक वीडियो बनाया है कि एक एफटीपी सर्वर कैसे सेट करना चाहिए। उस वीडियो का जो टाइटल है मैंने रखा है हाउ टू सेट अप ए एफटीपी सर्वर। और लेट्स से जो व्यूअर्स हैं वो भी उसी तरह से गूगल में या फिर दूसरे किसी सर्च इंजन में सर्च करते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि मेरा जो वीडियो का टाइटल उन लोगों का सर्च के साथ एग्जैक्ट मैच होगा और इसीलिए मेरा जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा हाई रैंक पे रहेगा। उसी के अपोजिट में लेट्स से मैंने अपने वीडियो का नाम है जो टाइटल है वो इस तरह से रख दिया कि लर्न हाउ टू कॉन्फिगर एफटीपी सर्वर। इस केस में क्या होगा, जो सर्च होगा वो व्यूअर्स किस तरह से कर रहे हैं, हाउ टू सेटअप एन एफटीपी सर्वर, और मेरा टाइटल है लर्न हाउ टू कॉन्फिगर एन एफटीपी सर्वर। इस केस में क्या होगा कि कुछ कुछ कीवर्ड जो है वो मैच हो रहा है लेकिन एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है, जिसे ब्रॉड मैच बोला जाता है। और इस केस में मेरा जो वीडियो है वो एग्जैक्ट मैच वाले वीडियो से थोड़ा सा लो रैंक पर रहेगा। तो इसीलिए आप भी जब अपने वीडियोस को बनाओगे तो उसमें जो टाइटल रखोगे उसके लिए आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो। उसमें सजेस्टेड सर्चेस में दिखाई देता है कि कौन सा सर्च जो है वो लोग ज्यादा ढूंढ रहे हैं या फिर किस तरह से लोग सर्च कर रहे हैं, और उसी तरह का जो टाइटल है वो आप अपने टाइटल्स में यूज करें। दूसरा टाइटल्स के ऊपर फाइंडिंग है कि शॉर्टर टाइटल्स जिसमें कि 50 से कम कैरेक्टर्स का यूज किया गया है, वैसे टाइटल्स के वीडियो थोड़ा सा हाई रैंक पे रहते हैं। लॉन्गर टाइटल्स का ड्रॉबैक यही होता है कि उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जिसके कारण YouTube वीडियो को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, और इसको बोला जाता है कीवर्ड स्टफिंग। तो इसीलिए आप जो है अपने वीडियोस में स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज करें, एक दो कीवर्ड्स यूज करें जो कि आपके वीडियो के साथ एक्सट्रीमली रिलेवेंट हो। और लंबा टाइटल्स होने से क्या होता है, उसमें बहुत सारे इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आ जाता है। तो ऐसे प्रैक्टिस को आप अवॉइड करें और ट्राई करें कि अपने जो टाइटल्स हैं वीडियो के वो कॉन्क्रीट रखें एंड स्पेसिफिक रखें। दूसरा जो फाइंडिंग है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। वीडियोस जिसमें कि लॉन्गर डिस्क्रिप्शन का यूज किया गया है वैसे वीडियोस थोड़ा सा हाई रैंक पर रहते हैं, लेकिन कितना लंबा, जनरली पाया गया है कि 300 से 350 वर्ड्स के बीच में जो डिस्क्रिप्शन होते हैं वैसे वीडियोस थोड़ा सा हाई रैंक पर रहते हैं। उससे लंबा अगर होता है तो वो निगेटिवली इम्पैक्ट करता है और वीडियो लोअर रैंक होता है। इसका मेन रीजन नहीं है कि ज्यादा लंबा अगर डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे तो उसमें बहुत सारे इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे, बहुत सारे कीवर्ड्स आ सकते हैं जिसके कारण वही सेम इशू कीवर्ड स्टफिंग हो सकता है, जिसके कारण यूट्यूब जो है आपके वीडियो को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डिस्क्रिप्शन के लिए वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपने वीडियोस का डिस्क्रिप्शन लिखें, उसको कॉन्क्रीट डिस्क्रिप्शन बनाएं, उसमें बहुत सारे इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं घुसाएं। उसके बाद आप कॉल टू एक्शन मतलब सब्सक्राइब के लिए, लाइक के लिए, कमेंट के लिए बोल सकते हैं। अगर उस वीडियो के साथ कुछ रिलेवेंट वीडियोस हैं जिसको आप रखना चाहते हो तो वो आप डाल सकते हो। उसके बाद अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स का जो लिंक्स वगैरह है वो आप डाल सकते हो, और ऐसा करके आप एक लॉन्गर डिस्क्रिप्शन अपने वीडियो के लिए डिजाइन कर सकते हो जो कि रिलेवेंट हो एंड कीवर्ड रिच। थर्ड जो फाइंडिंग है वो वीडियो टैग्स के ऊपर है। हमें ये पता है कि हमेशा जो है रिलेवेंट टैग्स को यूज करना चाहिए अपने वीडियोस में, लेकिन इस रिसर्च में पाया गया है कि जो टॉप रैंक्ड वीडियोस है उसमें से खाली 1/3 वीडियोस में ही टैग्स का यूज किया गया है और बाकी वीडियोस में टैग्स का यूज नहीं किया गया है। ये साफ जाहिर करता है कि यूट्यूब जो है वो टैग्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करता और वो ज्यादा डिपेंड करता है डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल के ऊपर। दूसरा जो फाइंडिंग है टैग्स के ऊपर, उसमें ये पाया गया है कि जो टैग्स है वो इनिशियली रिलेवेंट होता है यूट्यूब के लिए, और उसके बाद जैसे जैसे आपका वीडियो थोड़ा सा ओल्ड होने लगता है तो यूट्यूब आपके टैग्स को ज्यादा मायने नहीं देता या फिर टैग्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मेन रीजन यही है कि इनिशियली जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो यूट्यूब के पास उस वीडियो को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो इसलिए प्रॉपरली कैटेगराइज करने के लिए यूट्यूब जो है आपके टाइटल, डिस्क्रिप्शन या टैग्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे जैसे आपका वीडियो ओल्ड होने लगता है तो यूट्यूब के पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ जाता है, मतलब कि किस तरह के ऑडियंस आपके वीडियोज को देख रहे हैं, किस तरह से सर्च रिजल्ट के अंदर आपका वीडियो
को देखा जा रहा है या फिर कितना देर देखा जा रहा है, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होता है एंड जिसके ऊपर बेस करके YouTube जो है बाद में आपके वीडियोस को कैटेगराइज करता है एंड आपके टैग्स को ज्यादा मायने नहीं देता। इसीलिए इनिशियल कैटेगराइजेशन के लिए आप टैग्स को यूज करें। थर्ड जो टैग्स के ऊपर फाइंडिंग है वो ये है कि YouTube जो है वो फेज टैग्स को सिंगल वर्डेड टैग्स से ज्यादा प्रिफर करता है। मतलब अगर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊं, मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू सेट अप एन FTP सर्वर, अगर उसमें मैंने टैग्स का यूज किया है हाउ एक टू एक FTP एक उसके बाद सेटअप एक, तो वैसे टैग्स से YouTube ज्यादा प्रिफर करेगा हाउ टू सेटअप FTP। इस तरह से अगर मैं दो दो वर्ड या तीन तीन वर्ड करके अगर मैं टैग्स डालूंगा तो YouTube उसको ज्यादा प्रिफर करता है एंड ज्यादा हाई रैंकिंग में लाता है ऐसे वीडियोज को। तो इसीलिए आप जो है अपने वीडियोज में कीवर्ड रिच टैग्स यूज करें, प्रिफरेबली सिंगल वर्ड जो टैग्स हैं वो एक दो रख के उसके बाद आप फेज जो टैग्स हैं मतलब दो तीन वर्ड्स के जो टैग्स हैं वैसे यूज करें और ऐसा करने से आप अपने वीडियोस को डेफिनेटली हाई रैंक पे ला सकते हो। तो आशा करता हूँ कि वीडियो SEO के ऊपर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी, हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह से नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।